نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. آمين يا رب العالمين. हम क़यामत के बारे में पढ़ रहे थे कि क़यामत के दिन इंसान किन किन मराहिल के सामने से गुजरेगा, और लास्ट आयत में हमें ये पढ़ा था कि एक मरहला ऐसा भी आएगा कि जब इंसान सब रिश्तेदारियां ख़त्म हो जाएंगी, ऐसी चुप लग जाएगी, लोग अपना खसारा देखकर ऐसे खामोश हो जाएंगे कि जैसे कोई रहता ही नहीं, कोई से कुछ नहीं पूछेगा। फिर इंसान मैदान खशर में जाएगा और इंसान का एक और मरहला इंसान के सामने से गुजरेगा, इस कदर दर्दनाक, इस कदर बेबस कर देने वाला मरहला, जब आप काउंटर पे खड़े होंगे, जब हम शॉपिंग करके जो जो लेके आए, ट्रक बड़े हुए, बड़े बड़े बहरी जहाज जितने आमाल, पहाड़ों जितने आमाल, जो बहरी जहाजों के जरिए हम अपने कंधों, यानी उसके लिए उसको उठाने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, वो अमाल जो बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर आने चाहिए थे, वो बोझ इंसान अपने कंधों पे उठाए हुए होगा और फिर काउंटर पे आएगा। और आप खुद सोचें कि जब इंसान काउंटर पे आएगा, काउंटर पे आने के बाद इतनी इतना माल, इतने आमाल जब तराजू में रखे जाएंगे और उनका कोई वजन ही नहीं होगा, तो फिर उस वक्त एक इंसान जिसने सारी जिंदगी कोशिश की होगी, उसकी कैफियत क्या होगी। वमन फमन, तो जो कोई सकुलत बारी हुए, मवाजीनहु पलड़े उसके, फउलाइका, तो यही लोग हैं, हुमुल मुफ्लिहून, जो फलाह पाने वाले हैं। मवाजीनु जमा है और इसका मतलब है कि मिजान कई किस्म के होंगे और हर अमल के लिए एक महसूस तराजू होगा। तो यहाँ पे अहले ईमान के लिए, मुशरिकीन के लिए, अहले ईमान के लिए खुशखबरी, मुशरिकीन के लिए वाईद है, अहले ईमान की नेकियां थोड़ी भी होंगी तो उनका वजन बहुत ज्यादा होगा क्वालिटीज की वजह से, और मुशरिकीन के पास बहुत से अमाल होंगे और बहुत से ऐसे काम होंगे जिन्होंने नेकी समझ के किया होगा, लेकिन वो रुई के गालों की तरह उड़ा दिए जाएंगे। इस कदर रुई कितनी का वजन नहीं होता उसका, ठीक है, कितनी हल्की हल्की सी होती है, इतनी ज्यादा रुई आप इकट्ठी कर ली तो वो उसका कोई वजन ही नहीं होता। तो ऐसे ही होगा, ओमन खफत, जो कोई के हल्के हुए मवाजीन हो पलड़े उसके, वाउलाइका, तो यही लोग हैं, अल्लादीन, वो जिन्होंने खसिरू खसारे में डाला, अनफुसहुम अपने आप को, फी जहन्नम जहन्नम खालिदून, हमेशा रहने वाले। सूरत फुरकान आयत 23 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا, कि और हम इसकी तरफ आएंगे, जिन्होंने कोई भी अमल किया होगा तो इससे बिखरा हुआ गुबार बना देंगे। अल्लाह अकबर।
नीयत अच्छी ना हो, इखलास ना हो, रिजाए इलाही ना हो, तो इंसान की नेकियां भी बहुत हल्की हो जाती हैं। सूरत कहफ आयत 105 में उलाइकल्लज़ीन कफरू बिआयाति रब्बिहिम वलिक़ाइही फहबितत अमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात और इसकी मुलाकात का इनकार किया था, इनके सारे अमाल ज़ाया हो गए, हम क़यामत के दिन इनके लिए कोई वज़न कायम नहीं करेंगे। यानी इनकी ज़िंदगी 50-60 साल 70 साल 80 साल ज़िंदगी जब वज़न किया जाएगा तो उनका वज़न ही होगा। ये इतना मुश्किल मरहला है। अगर आप इमेजिन करें कि हम काउंटर पे खड़े हों और हमने ज़िंदगी भर जो कोशिश की हो, अगर उस नेकी का वज़न, नेकियों वाले पलड़े का वज़न कम हुआ और बुराइयों के पलड़े का वज़न ज़्यादा हो गया, इंसान को वज़न करते ही पता चल जाएगा कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और फिर एक मरहला वो भी आता है ना कि जब कहा जाएगा हाँ मुकराओ किताबिया, ये लो पकड़ो अपनी किताब, और अगर तो दाएं हाथ पे पकड़ाई जाएगी फिर तो इंसान बहुत खुश होगा, और जब बाएं हाथ में पकड़ाई जाएगी तो फिर इंसान को पता चल जाएगा कि मेरा अंजाम क्या होने वाला। यानी इंसान मुख्तलिफ मराहिल में बिखरेगा, टूटेगा, बार बार उसको अनाउंस किया जाएगा कि आपकी सफली हो गई, कुछ नहीं कर सकेगा, दुनिया की सारी चीजें इकट्ठी करके भी अल्लाह के सामने फिदिये के तौर पर देना चाहे नहीं दे पाएगा। उस वक्त सिर्फ एक ही आसरा होगा, खालिदून फी जहन्नम खालिदून, जहन्नम में हमेशा रहने वाले। तलफा हो झुलसा देगी वजूह हो उनके चेहरे को अन्नार आग। चेहरे का जिक्र, चेहरा झुलसा देगी आग क्यों आया? क्योंकि चेहरे से ही तो इंसान इज्जत और शर्फ हासिल करना चाहता है, और चेहरे के लिए तो सब कुछ करता है, इसी को बचाने की कोशिश करता है। और जब आग उस चेहरे को जला रही होगी तो जिस्म के दूसरे हिस्सों का क्या हाल होगा? वहुम फीहा कालिहून, और वो उसमें मुंह बिगाड़ने वाले होंगे। काफला महा का मतलब क्या होता है? काफला महा का मतलब होता है डरावनी शक्ल, और ऐसी कि ऊपर का होंठ ऊपर उठ जाए और नीचे का मजीद नीचे हो जाए, दांत बाहर निकल आए, जिससे चेहरा शदीद तेवड़ी वाला नहायत बदशक्ल और डरावना हो जाए, जैसे बकरी के बकरे की जली जो सीरी होती है वो जली हुई होती है, वैसे का चेहरा बन जाए। अल्लाह हुक्म। इमेजिन करें कि ये चीज आप देख भी नहीं सकते ना, इस कदर दर्दनाक अजाब उस रोज। ये क्यों था, क्यों मिलेगा? क्या अल्लाह ताला को अपने बंदों पे तरस नहीं आएगा? आज दुनिया में अल्लाह इतनी मोहलत दे रहे हैं और हम अल्लाह ताला की बात को सुनते ही नहीं। उस दिन के अजाब ऐसे होंगे कि हम अजाब सुन ही नहीं सकते, तो जब देखेंगे तो हमारी हालत और हमारी कैफियत क्या होगी। अल्लाहुम्मा ला तजअल, अल्लाहुम्मा ला तजअल, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करना, हमें बचा लेना, हमें तेरी मोहब्बत चाहिए, तेरी रहमत चाहिए, हमें जन्नत फिरदौस अता करना, हमारे आमाल ऐसे बना दे कि हम जहन्नम वालों में शामिल ना हो सके।
अब कुछ लोग कहते हैं ना कि अच्छा मुशरिकीन ठीक है, हमें हमें ऐसे अजाब नहीं मिलेगी, लेकिन जो अगर नेकियों का पलड़ा कम हो गया और बुराइयों का भारी हो गया, तो कुछ देर के लिए स्टे तो करने जाना है ना जहन्नम में, जब अपनी गुनाहों की सजा भुगतने जाना, तो उस वक्त हम हमें देखना पड़ेगा, हम कैसे देख सकेंगे, कैसे देख पाएंगे जहन्नम में, देखने का भी एक अजाब होगा, इंसान खुद महसूस भी कर रहा होगा, और अपने से ज्यादा दर्दनाक लोगों को जब देखेगा तो इंसान की क्या क्या, हम एक जख्म को नहीं देख सकते, तो जब हम देखेंगे लोग जख्मों से पीप निकाल के पी रहे, क्या कैफियत हो, अल्लाह ताला हमें प्लीज जहन्नुम में ना भेजिएगा, हमारी नेकियों को बढ़ा दें, हमारे गुनाहों को कम कर दे, अल्लाह हमारी जिंदगी की नेकियों को बढ़ा दे, सिर्फ एक ये चीज सोच करके मेरा नेकियों का पलड़ा हल्का न हो जाए, लालच करते रहे ये भी नेकी ले ले, ये भी नेकी ले ले, इस ये काम भी कर ले, इसके जरिए भी अपना पलड़ा बढ़ा ले। लोग अमूमन कहते हैं कि लालच नहीं करे, नेकियों के मामले में भी कहते हैं एक एक नेकी से इंसान परेशान होगा। अलम तकुन क्या ना थी आयात या आयात मेरी, तुतला पड़ी जाती अलीकुम तुम पर, फकुन तुम तो तुम थे बिहा उसे उन्हें तो कजीबू जुटलाने वाले। अलग अलग कहेंगे कि ये तुम्हारी हालत क्यों ऐसी है, अब तुम कहोगे कि अल्लाह पर इल्जाम दोगे कि अल्लाह ने इतनी बुरी हालत कर दी, क्या तुम्हें ये सारी बातें बताई थी जाती, क्या तुम पर मेरी आयात पढ़ी नहीं जाती थी, तुम्हें कहा नहीं जाता था कि ईमान लिया, लेकिन तुम क्या करते थे, तुम तो मानते ही नहीं थे, तुम जो टलाते थे। कालो वो कहेंगे रब्बाना ए हमारे रब, गलबत गालिब आ गई अलीना हम पर, शिकवतुना बदबख्ती हमारी, वकुन्ना और थे हम कौमन जाली गुमराह लोग। क्यों कहें कि अल्लाह कसूर जो है ना अपना ही निकालेंगे, जालिम अपना उजर पेश करते हुए ये कहेगा कि हमारी बदबख्ती हम पे गालिब आ गई जो हम पर तुमने लिखी थी, यानी अल्लाह को ही इल्जाम देंगे वहां जाकर भी कि अल्लाह, जैसे आज भी अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह को अगर मुझे हिदायत देनी हो तो फिर अल्लाह दे सकते हैं, मुझे इन कामों में क्यों इन्वॉल्व किया, इंसान कोशिश ही नहीं करता, सिर्फ इसलिए हाथ पे हाथ धरे रखते बैठा रहता है कि अल्लाह की तरफ मुझे हिदायत, और अल्लाह मुझे खुद जो हिदायत दे, खुद एफर्ट्स नहीं करते। उस दिन जालिम लोग यही कहेंगे कि हम पर हमारी बदबख्ती काम आ गई, हम है बदबख्त इसलिए हम गुमराह हो गए। क्या ये चीज काम आ जाएगी उनके ये कहना, ये कफायत कर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। रब्बना ए हमारे रब, अखरिजना निकाल दे हमें, मिन्हा इससे, फन फिर अगर उदना दोबारा करें हम, तो फइन्ना बेशक हम जालिमून जालिम होंगे। बड़ी दफा ये मुतालबा पहले भी जिक्र हो चुका है कि जालिम लोग अल्लाह ताला को कहेंगे कि हमें दुनिया में वापस भेज दे, कहेंगे कि अगर हम वापस ऐसे करेंगे तो जालिम हो जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अभी कह तो रहे हैं लेकिन जब वापस जमीन पे आएंगे ना दोबारा वैसा ही करेंगे लोग, कोई अपनी बात पक्का नहीं उतरेगा, कोई नेकियां नहीं करेगा, जालिम जालिम जुल्म ही करेंगे। आज बहुत बड़ा बहुत ज्यादा वक्त है, अगर हम क्लियर करना चाहते तो अभी करनी चाहिए। कौन वो फरमाएगा, इख्साऊ पड़े रहो फटकारे हुए, फीहा इसी में, वला और ना तो कलिमो तुम कलाम करो मुझसे, यानी ये जो वर्ड है खसा यख्साऊ इसका मतलब होता है जलील होना, दफा होना, और ये लफ्ज कुत्ते वगैरह को दुदकारने के लिए बोला जाता है,
जैसे एक घर ना दुर दुर दुर, पंजाबी का एक लफ्ज है दुर, और आगे हो लगा के कुछ लोग इसको बड़े गलत अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, तो पड़े रहो, फटकार पड़े तुझ पर, लानती इस तरह से लगाना उनको कहेंगे कि चलो जाओ, गेट आउट, दफा हो जाओ, मेरे साथ कलाम ना करो, तुम पर फटकार पड़े, मेरे सामने ना आओ। अल्लाह उनको हकीर और जलील करार देकर दुदकार देंगे, कहेंगे इसी जहन्नम में जलील हो जाओ, जाके मुझसे बात ना करो। और फिर कुछ जगह पे यह आता है कि उनकी बाज जगहों पे तो उनकी जुबान वाकई बंद हो जाएगी, वो कलाम ही नहीं कर सकेंगे। तो आज अल्लाह ने कलाम करने का मौका दिया, आज अल्लाह ताला ने कहा है कि मुझसे बात कर लो, मुझे मना लो, मेरी बात मान जाओ। लेकिन आज हम नहीं सुनते, उसकी मगन है ना अपनी सरकशी के अंदर, लाइमी के अंदर सो रही है गफलत की नींद, और ये सोचते हैं कि जिंदगी पड़ी है, उठ के काम कर लेंगे। अल्लाह ताला हमें खयानत करने से महफूज रखे, अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा के रखे, अल्लाह हमें क़यामत के दिन अल्लाह की फटकार से बचा के रखे। इन्नहु बेशक वो काना था, वो फरीकुन एक ग्रोह, मिन इबादी मेरे बंदों में से, ये कौन होना, वो कहते थे रब्बना हमारे रब, आमन्ना ईमान लाए हम, फगफिर बख्श दे बस हमें, लना हमें, वरहमा वरहमना और रहम फरमा हम पर, वंत खैरुर राहिमीन बेहतर है सब रहम करने वालों में से। अब क्या होगा, फरीकुन से मुराद ये कि एक ग्रोह जो अल्लाह के वो बंदे जो कुफार और उनके अकीदे से बिल्कुल मुख्तलिफ रहे, उन्होंने अल्लाह की बात मानी और अल्लाह ताला उनके बारे में बयान करते हैं कि वो लोग किस तरह से अल्लाह से दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें मान ले आएगा, हमें बख्श दे। इससे पता चलता है कि जो है दुआ मांगने का तरीका, कि लोग क्या करें अपने ईमान लाने के अमल का वसीला पेश करके मुझसे दुआ कर सकते, यानी अल्लाह से दुआ करने के लिए जो वसीले हम रखते हैं उसमें से एक ये भी है कि आप अपनी जो नेकियां वगैरह, या अल्लाह हमने फलां काम किया, जैसे पता है वो गार वालों ने भी नेकियों का वास्ता देकर वसीला देकर दुआ की थी, तो इस तरह से दुआ कर सकते कि अपने किसी खालिस अमल का वसीला पेश करके दुआ की जा सकती है। उसकी दलील ये दुआ है, रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। और गफर का मतलब होता है जैसे मिगफर होता है, मिगफर हेलमेट को कहते हैं, तो हेलमेट जो है इस्तेमाल होता है जंग वगैरह के अंदर अपने चेहरे को छुपाने के लिए। तो ये नहीं, गफर का मतलब ये है कि अल्लाह इस तरह मेरे गुनाहों को बख्श दे, इस तरह छुपा दे कि फरिश्ते भी ना देख सके, किरामत कातिबीन के दफ्तर में भी वो अमल नजर ना आए, वो हमेशा के लिए मिट जाए, ऐसी मुझे बख्शिश चाहिए। अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, मेरी नेकियों को कबूल कर ले। तो अगर हम माफी मांगना चाहें ना, तो हम क्या करें, नेकियां करें या फिर अल्लाह को नेकियों का वास्ता देकर अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं, क्योंकि अल्लाह बड़ा रहमान है। वो अगर दुनिया के अंदर हम उसको बुलाते हैं या उससे कोई बात करते हैं, तो हमारी बातें जरूर सुनता है, लेकिन आखिरत के अंदर वो ही बात, वला तो कल्लू, वो कहेगा दूर हो जाओ, परे हो जाओ, दफा हो जाओ, मेरे पास माना, मुझसे बात न करना। अल्लाह हो कर, किस कदर इंसल्ट फील होगी ना, ये दुआ पे याद भी करनी और दुआ मांगने का स्टाइल भी इसमें बताया गया, रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वा अंत खैरुर राहिमीन, फ़त्तख़ज़्तुमूहुम तो बना लिया तुमने इन्हें सिख्रियन मजाक, यानी जो लोग दुआएं करते थे तुम्हें दावत देते थे, तो तुमने क्या किया उनको मजाक बना दिया, हत्ता यहाँ तक कि आंसू को इन्होंने बुलवा दिया, कुम तुम्हें जिक्री जिक्र मेरा, वकुन तुम मिनहुम तदहकून, और तुम थे इनसे
हंसी मजाक किया करते थे, ये लोग अल्लाह ताला को याद करते थे, अल्लाह की बात करते थे, अल्लाह का कुरान पढ़ते थे, तो बाकी लोगों ने कहते ये देखो इनको तो पता ही नहीं आज का ट्रेंड क्या है, इनको तो आज ट्रेंड के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में पता ही नहीं है। पुराने जमाने के लोग होंगे जो कुरान पढ़े, आज अगर हम कुरान लेकर बैठते ना तो अगर हम तो लोग समझते कि ये इस बंदे का दुनिया के साथ कोई सरोकार ही नहीं है, उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, सच्चाई जुबान से ना कहें लेकिन दिल ही दिल में अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो यही चीज उनको और अल्लाह की जानिब से उनके जहन जो है ऐसा कर दे कि अल्लाह की याद उनको आती ही नहीं, और फिर वो क्या करते हैं हंसी मजाक में जिंदगी गुजारते हैं। और आपने सूरह मुतफ़िफ़ीन आयत 29 से 36 तक का भी मुताला करते हैं कि जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ये जो लोग हंसी मजाक करते हैं ना इनकी क्या हालत होगी और इनके साथ जो है क्या सलूक किया जाएगा। इन्नल्लदीन अजरमू कानू मिनल्लदीन आमनू यलहकून, के जो लोग जिन्होंने जुर्म किया और अल्लाह ताला के जो नेक ईमान वाले बनते हैं उन पर ये हंसी मजाक करते हैं। वइदा मर्रू बिहिम यतगामज़ून वइदा इंक़लबू इला अहलिहिम इंक़लबू फ़ाकिहीन वइदा رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالمون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون। क्या होगा कि जो लोग दुनिया के अंदर नेक लोगों का, अच्छे लोगों का, सहाबा का, अंबिया का, ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं और जब इनके पास से गुजरते हैं तो गानों में हम मजाक कर करके हंसी करते हैं और जाके अपने अहल याल में भी इनकी बातें याद कर करके हंसी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और कहते हैं कि ये लोग गुमराह हो गए। अल्लाह कहते हैं फलयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फार यज़हकून, कि जब कियामत का दिन होगा फिर ईमान वाले इन कुफ्फार पर हंसेंगे। अलल अरौइक यंज़ुरून, ईमान वाले तख्तों पर बैठे अपने पलंगों पर, अपने रेशमी रेशमी बिस्तरों पर और खूबसूरत तरीके के साथ बैठे होंगे और इन लोगों पर हंसी किया करेंगे, इन लोगों को मजाक उड़ाएंगे। हल सुफी बल कुफ्फार मा कानू यफालून, इसलिए अगर कोई परेशान करे, कोई हमें ईमान की वजह से हमारा मजाक उड़ाए तो फिर क्या करें, उस दिन का इंतजार करें, खामोश हो जाए। आप नहीं किसी का मुंह बंद करवा सकते, क्या करें, खामोश खामोशी अख्तियार करें। अल्लाह ताला खुद आपको बदला देंगे और दुनिया में हंसी मजाक करने वाले लोगों के ऊपर कयामत के दिन हंसा जाएगा। उस दिन की हंसी सबसे दर्दनाक, कि कोई हंसेगा भी, हम इतनी तकलीफ में हो, आपको पता है अगर कोई जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा जल जाए ना तो किस कदर तकलीफ होती है। अभी रात ही की बात है कि मैं सालन डाल थी तो चम्मच थोड़ा सा गर्म था, लोहे का था वो, तो उसको बस 1 सेकेंड हाथ लगा होगा, उससे इतनी जलन महसूस हो रही थी। उसी वक्त फौरन ये चीज ध्यान में आ रही थी कि इतनी छोटी सी तकलीफ, कुछ भी इंसान को समझ नहीं आती इस वक्त, कोई भी अच्छा नहीं लगता, बस अपनी कैफियत अपना दर्द याद रहता है। अल्लाह अकबर। और जिस दिन कयामत के दिन जो इतना बड़ा अजाब, किस तरह से बर्दाश्त होगा, जब कोई तकलीफ पर हंसेगा तो बर्दाश्त की हद नहीं रहेगी, ये अलग से कजाब होगा। माफ हो अल्लाह तला हमें जन्नत अलफिरदौस अता करे, हमें कब्र और जहन्नम के अज़ाब से बचाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।